शूलनी मेले में जहां एक ओर रंगारंग सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाती हैं, वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस बार खास बात यह है कि बास्केटबॉल, कबड्डी और कुश्ती के साथ साथ अब इस बार हैंडबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। शूलनी मेले में जहां एक और रंगारंग सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाती हैं, वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस बार खास बात यह रही है कि ठोडा, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती के साथ साथ अब इस बार हैंडबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 जून को पुलिस ग्राउंड में किया जाएगा। ये खेल क्योंकि पहली बार सोलन में देखने को मिलेगी, इसलिए खिलाड़ियों में भी इसके प्रति काफ़ी रुचि दिखाई दे रही है। ये जानकारी हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि सोलन में ये खेल पहली बार करवाया जा रहा है और इसमें चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल की टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि हालांकि खेल नया है, लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल के 11 खिलाड़ी इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। जैसे कि एक कहावत है, जिस देश में जितने खेल के मैदान होते हैं उतने ही हॉस्पिटल कम होते हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि खेल के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाए और युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। सोलन डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा 22 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में महाशूलिनी नॉर्थ इंडियन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल की टीमें भाग ले रही है। आग्रह है कि सभी प्रदेश के जितने भी युवा हैं वो आके खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करें और खेल में हिस्सा भी लें। हैंडबॉल जो है हिमाचल में 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था और आपको जान के हैरानी होगी कि हिमाचल से 11 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो हैंडबॉल खेल रहे हैं, ऑलरेडी खेल रहे हैं। इसमें से हमारे सोलन से भी काफ़ी सारे युवा इंटरनेशनल गेम को खेल रहे हैं, हैंडबॉल में खेल रहे हैं।